पीएचडीसी अमेलिया कोल माइन कंपनी में चल रही हड़ताल अब खत्म हो गई है। कंपनी के महाप्रबंधक ने पीड़ितों की बात सुनी और पीड़ितों की समस्याओं के निवारण का आश्वासन दिया, तब जाके हड़ताल खत्म हुई है। सिंगरौली जिले के पिडरवा स्थित टीएचडीसी अमेलिया कोल माइंस कंपनी में हड़ताल चल रही थी। हड़ताल बेड़न जनपद की अध्यक्ष सविता सिंह व विस्थापित नेता व बंधा के सरपंच देवेंद्र पाठक उर्फ दरुआ के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से यह आंदोलन चल रहा है। कंपनी के महाप्रबंधक एके शर्मा द्वारा पचौर गांव में धरनारत व्यक्तियों के बीच पहुंचकर उनसे चर्चा की गई और विस्थापितों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए 31 मार्च तक का समय मांगा। कंपनी के महाप्रबंधक एके शर्मा ने कहा कि इन सभी मांगों को नियमानुसार 31 मार्च तक पूरा किया जाएगा। इसी आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त हुई। देखिए साहब, ये अमेलिया कोल माइन का विस्थापन या भू अधिग्रहण कोई छोटा नहीं है। कोई सोचे कि एक दिन में, कोई एक महीना में, कोई एक सारा काम निपट जाएगा, नहीं निपटता। बहुत सारा जो है ये भू अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ गया है, कुछ चीजें छुटी हुई हैं, वो क्रमशः होती जा रही है। देखिए, ये हम लोग क्या, ये भी एक सरकार की कंपनी है, हम लोग कोई भी काम प्रशासन के माध्यम से करते हैं और उनके द्वारा ही, उनके माध्यम से ही कोई भी धनराशि बांटी जाती है। उनके मांग पत्र आने पे हमको धनराशि उपलब्ध करा देते हैं, तो उनके माध्यम से सब चीज़ें क्रमशः होती जा रही है। जो भूमि अधिग्रहण का मुआवजा है, मैगजम जो जिसमें कोई भी बात नहीं है, मैगजम सब मुआवजा बट गया है। जो भी शेष बचा है वो लगातार सब बढ़ता जा रहा है और हम लोग इस तरह से वचनबद्ध हैं कि किसी भी काश्तकार का कोई भी मुआवजा नहीं छूटने पाए। और पुनर्वास लाभ जहाँ तक है, पुनर्वास कॉलोनी हम लोग एक बहुत अच्छी कॉलोनी विकसित कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं कोशिश करूँगा कि जिले की सबसे अच्छी विस्थापित कॉलोनी के नाम से जाना जाए और सारी सुविधा युक्त जो है हम लोग करेंगे और लोगों की सहूलियत के हिसाब से उसमें शिफ्ट करेंगे। और क्रमशः सब चीज़ें चल रही है। जो 30 तारीख तक कुछ कामों के लिए हम लोगों ने वादा किया है कि हम 30 तारीख तक पूरा कर देंगे, तो उसको हम पूरा कर देंगे। जो है, जो भी धरने प्रदर्शन पर लोग बैठे थे, जो भी आश्वासन दिया गया है, उस आश्वासन को हमने पूरी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। लोगों के भू विस्थापित कार्ड कल से बन रहे हैं, कल से लोग जो वहाँ पे कैंप लग रहा है माइन एरिया में, वो पब्लिक आ रही है, लोगों के फोटो लिए जा रहे हैं, विवरण दिया जा रहे हैं और उस पर भी कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। और अन्य कार्यों पे भी कार्रवाई प्रारंभ है और हम लोग जो है सब एक एक करके सारी चीजों को निपटा देंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।